नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश बर्मन और एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है और इस फर्स्ट पार्ट अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें तो पहले फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसका आउटलाइन बहुत ही इजी तरीके से बनाया, आप लोग भी बिगनर है तो आप भी बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। और इस पार्ट में मैं आप लोगों ने थंबनेल में जितना आर्ट वर्क देखा उतना ही इस पार्ट में आप लोगों को आर्ट वर्क देखने को मिलेगी। और इस वीडियो को मैं टाइम लैप्स जैसा थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ, तो अगर आपको इससे कोई परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब बात करते हैं आर्ट वर्क के ऊपर। दोस्तों, इस आर्ट वर्क को ड्रॉ करने के लिए मैंने सिर्फ दो ही पेंसिल का ज़्यादातर यूज़ किया है। पोर्ट्रेट के आउटलाइन को छोड़ के जितना भी जगह शेडिंग कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, वो सब अप्सरा का सॉफ्ट चारकोल पेंसिल और अप्सरा का 10B पेंसिल, इन्हीं दो पेंसिल से ही मैंने पूरा वर्क को कंप्लीट किया है। दोस्तों, इस रेफरेंस को मैंने 2 या 3 महीने पहले भी ड्रॉ किया था। उस आर्टवर्क के आउटलाइन का प्रोपोर्शन मेरे इस आर्टवर्क के तुलना में बहुत ही ख़राब हुआ था। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन में उस वीडियो को दे दूंगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और मेरा ड्राइंग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में जाओ और अपना क्वेश्चन पेस्ट कर दो। तो दोस्तों, हमारा आर्टवर्क यहाँ तक हो गया है कंप्लीट। यहाँ तक ड्रॉ करने के लिए मुझे लगभग 3 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया। और दोस्तों, अगर आप इसके क्लोथ का आर्टवर्क भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में बने रहिए या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं इसका जो क्लोथ का पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।